हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केस के आने की कहानी सबकी में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त अनीस। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सलमान खान ने आखिर रणवीर कपूर को थप्पड़ क्यों मारा, तो इसके पीछे की कहानी को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, बॉलीवुड में सलमान खान अपने दबंग अंदाज के लिए जाने जाते हैं और अपने गुस्से पर काबू ना रखने वाले सलमान खान के थप्पड़ का मज़ा कई लोग चख चुके हैं। ठीक वैसे ही रणवीर कपूर को भी सलमान ने एक बार थप्पड़ मारा था और फिर उन्हें बाद में माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। फ्रेंड्स, दरअसल ये बहुत पुरानी बात है, जब एक रेस्टोरेंट में सलमान खान और रणवीर कपूर की लड़ाई हो गई थी और उस समय रणवीर टीनेजर थे और गुस्से में सलमान ना केवल रणवीर का कॉलर पकड़े बल्कि उसे गाल पर थप्पड़ भी लगाया। इस लड़ाई के बारे में जब सलमान खान के पिता सलीम खान को पता चला तब वो सलमान को लेकर ऋषि कपूर के घर गए और रणवीर के आगे माफ़ी भी मंगवाई। तो फ्रेंड्स, ये थी इसके पीछे की कहानी। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएं और इसे शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।